हेलो फ्रेंड्स, मारे वा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम तमिलनाडु पार्ट टू के अंतर्गत तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, दर्रे, घाटियाँ और उसके प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम तमिलनाडु पार्ट वन पर वीडियो बना चुके हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। आप देखेंगे तो इस ओर, ठीक है ना, तमिलनाडु के पश्चिम में वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट है। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला होते हुए तमिलनाडु आता है, ठीक है ना। इसी पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है नीलगिरी माउंटेन रेंज। नीलगिरी मूल रूप से कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में विस्तृत है, ठीक है ना, तीन राज्यों में विस्तृत है फ्रेंड्स। ये नीलगिरी माउंटेन रेंज को सबसे पहले 1986 में बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया था। तो देश का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व क्या था? नीलगिरी था, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोदाबेट्टा, ठीक है, आप देख रहे हैं ये है दोदाबेट्टा, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये है दोदाबेट्टा। और यहीं पर आपको मिलता है ऊटी या ऊटक मल, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऊटी कहाँ पर है, तो ऊटी तमिलनाडु में है। किस माउंटेन रेंज पर है? तो नीलगिरी पर है। इससे पहले मैं आपको नीलगिरी के बारे में बता चुका हूँ कि नीलगिरी पर टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। और नीलगिरी टसर क्या है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक है ना, टोडा जनजाति रहती है जो भैंसों का पालन करती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो नीलगिरी से जुड़ा हुआ है वो है कि पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन स्थल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी को माना जाता है। आप बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अन्नामलाई माउंटेन रेंज को। अन्नामलाई भी वेस्टर्न घाट का पूर्वी विस्तार है, ठीक है, अन्नामलाई भी वेस्टर्न घाट का पूर्वी विस्तार है जो कि केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी, इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा कि दोदाबेट्टा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदाबेट्टा, और दोदाबेट्टा की हाइट है 2636 मीटर, ठीक है ना, 2636 मीटर, और अनाई मुदी की हाइट है 2695 मीटर। इट मीन्स कि यदि आपको क्वेश्चन करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो 2695 वाली अनाई मुदी, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदाबेट्टा। और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में है? तो केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ये पश्चिमी घाट का ही पूर्वी विस्तार मानी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। पालनी की पहाड़ियाँ भी वेस्टर्न घाट का पूर्वी विस्तार मानी जाती हैं। पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइकनाल, बहुत फेमस है दोस्तों, ये बोर्डिंग स्कूल्स के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया गया है एग्ज़ाम में, कोडाइकनाल भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ियों पर? तो पालनी पहाड़ियों पर आप आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला पर। तो ये भी वेस्टर्न घाट का ही पूर्वी विस्तार है, इसका नाम है कार्डेमम या इलायची माउंटेन रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है अगस्त मलाई को, ठीक है ना, कौन सी? अगस्त मलाई। अब फ्रेंड्स, अगस्त मलाई को वर्ष 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और मध्य प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिज़र्व कब बना था, ठीक है ना, तो आप ये आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगस्त मलाई को 2001 में बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया था। तो ये तो वो माउंटेन रेंज हो गई
जो आपके वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनके अलावा आपको तमिलनाडु में पंचमलाई, ठीक है ना, और पंचमलाई की जो पहाड़ियां हैं वो प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, कोयले खनिज के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोयले के चार प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, और फिर होता है लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट। तो ध्यान दीजिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो आपको कहाँ मिलता है, कश्मीर में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। बिटुमिनस संपूर्ण भारत में जो कोयला मिलता है वो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का मिलता है, बिटुमिनस प्रकार का। और जो लिग्नाइट कोयला है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में मिलता है, इसी पंचमलाई पहाड़ी के आसपास प्रसिद्ध खदान है जिसका नाम है नवेली। आप ऐड करते जाइएगा यदि नोट्स बना रहे हैं तो, कौन सी खदान है, नवेली खदान है, ठीक है। चलिए, किसके लिए फेमस है नवेली खान, कोयले के लिए। कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया। फिर इसके बाद हैं सेवराय की पहाड़ियाँ और फिर हैं जावदी की पहाड़ियाँ। तो ये हो गई क्या, पर्वत श्रृंखलाएँ तमिलनाडु में स्थित। अब हम जानते हैं तमिलनाडु में स्थित प्रमुख दर्रे। तो फ्रेंड्स दो दर्रे हैं पास, ठीक है ना। दर्रे का अर्थ होता है किसी पर्वत श्रृंखला में स्थित एक सकरा रास्ता जो दो स्थानों को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो, ठीक है ना। अब आपको मालूम है यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट माउंटेन रेंज है। अभी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज को आपको क्रॉस करना पड़ेगा तो किसी दर्रे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरल के बीच में बॉर्डर पे ही दो दर्रे हैं। जो पहला दर्रा आपको पड़ेगा साउथ की ओर जाते हुए वो मिलेगा पालघाट। देखें फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बता दूं कि पूरे पश्चिमी घाट में चार दर्रे मिलते हैं प्रमुख, है ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैने कोटा। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है और भोर घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे पाल घाट और सैने कोटा के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, जो पालघाट दर्रा है, एक तो बात कि ये पश्चिमी घाट में स्थित है और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के कोच्ची से, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्ची को, ठीक है ना। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के कोच्ची से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सैनिकोट्टा। अब सैनिकोट्टा दर्रा मदुरै को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, मदुरै को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने वाला दर्रा है सैनिकोट्टा और कोयम्बटूर को कोच्ची से जोड़ने वाला दर्रा है पालघाट दर्रा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी घाटी है। तो फ्रेंड्स आप यहीं पर देखिएगा, पालनी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है कम्बम घाटी, ठीक है ना। कौन सी घाटी, कम्बम घाटी। फ्रेंड्स फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, मरखा घाटी कहाँ पर है, ठीक है, और अराकू वैली कहाँ पर है, ठीक है। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, घाटी और प्रमुख दर्रे, ठीक है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नोट्स पे भी बता देता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले नीलगिरी की ऊंचाई मैंने आपको बताई है 26। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, 26-36 मीटर। ऊटी या ऊटकमल प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यहाँ पर। यहाँ नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में तीन पर्वतीय रेलवे हैं, माउंटेन रेलवेज हैं, जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। पहला जो रेलवे है वो है कालका शिमला, और कालका शिमला जो रेलवे है वो कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है ना, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। फिर है दार्जिलिंग कहाँ पर मिलता है, तो दार्जिलिंग आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, टॉय ट्रेन चलती हैं। और उसी प्रकार तीसरा माउंटेन रेलवे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो वर्ष 2005 में, ठीक है, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप पे बताया, नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, मिलन स्थल है, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीलगिरी प्रसिद्ध है भोजपत्र और चंदन के वृक्षों के लिए, ठीक है ना। इसी नीलगिरी वाले रेंज में फ्रेंड्स एक चंदन तस्कर पाया जाता था जिसका नाम था वीरप्पन, ठीक है। मूवी भी बनी है, आप उसे देखिएगा, बड़ा फेमस ये तस्कर था। चलिए इसके बाद आप देखेंगे तो इसी नीलगिरी माउंटेन रेंज में आपको पाइकारा जलप्रपात भी मिलेगा, और देश का, मैंने आपको बताया था 1986 में इसे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना। देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी था। दूसरा था नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, पहला नीलगिरी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पालनी की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है ना। तो जो पालनी की पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है बिम्बा दिशा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोडाइकनाल क्या है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो आवासीय इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल्स के लिए प्रसिद्ध है। ये आप एक दृश्य देख रहे हैं, ये आपके कोडाइकनाल का दृश्य है, बहुत ही सुंदर जगह है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं सेवराय की पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊँची चोटी है सन्यासी मलाई, ठीक है ना। सन्यासी मलाई सेवराय की सबसे ऊँची चोटी है। फिर पंचमलाई, इसे ग्रीन माउंटेन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। और जावदी की पहाड़ियाँ, तो ये क्या हैं आपके तमिलनाडु में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। अब देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख दर्रे, तो मैं आपको बता चुका हूँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कोच्ची से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पालघाट, किस में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। सेनेकुट्टा दर्रा, ये तमिलनाडु के मदुरई को, ठीक है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है, ठीक है। फिर प्रमुख घाटी कौन सी स्थित है यहाँ पर, तो कंबम घाटी। नवेली खान के बारे में मैंने आपको बताया था, लिग्नाइट कोयला मिलता है, प्रसिद्ध है लिग्नाइट कोयले के लिए, कौन सी खदान, नवेली खान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स मैं आपको तमिलनाडु से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और हम इंडियन ज्योग्राफी में जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब भी मैं ये टॉपिक हालांकि आपको वहाँ बता दूंगा, बट आप इस स्टेट में भी पढ़ लीजिए। तमिलनाडु के मानसून के बारे में जानें तो फ्रेंड्स देखिए, जब भारत में मानसून आता है तो 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर से होते हुए आता है, ठीक है ना, सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट इसे रोक लेता है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा कराता है। इस वजह से ये दक्षिण पश्चिमी मानसून तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में कब वर्षा होती होगी, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है शीतकाल में, कब होती है, शीतकाल में होती है, नवंबर दिसंबर माह में होती है। कैसे होती है कि जब आपका सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, ठीक है ना, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी की गति होती है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही होती है, इस वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत हो जाती हैं। इस वजह से जो आपकी कर्क रेखा है इसके आसपास तापमान में कमी होने लगती है, और फ्रेंड्स तापमान में कमी होती है तो वायुदाब बढ़ता है, और इसी समय भूमध्य रेखा के आसपास तापमान बढ़ता है जिससे वहाँ पर वायुदाब कम होता है। और पवनों की चलने की दिशा कैसी होती है फ्रेंड्स, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब ये स्थिति बनती है तो जो मानसून अभी तक उत्तर पूर्व की ओर गया था, ठीक है ना, कोरिओलिस बल के कारण ये पवनें अपने चलने, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपने चलने की दिशा में किस ओर मुड़ती हैं, दाई ओर मुड़ती हैं। तो अब ये मानसून जब भूमध्य रेखा पर तापमान बढ़ जाता है, वहाँ वायुदाब कम होता है, तो ये हवाएँ कैसी चलने लगती हैं, उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं, ठीक है ना। और जब ये उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, कोरिओलिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए नमी प्राप्त करती हैं और ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं, और यहाँ ये क्या करती हैं, भारी वर्षा करती हैं। किस ऋतु में, तो शीतकाल में। अच्छा हुआ क्या है, मानसून गया था और मानसून लौटा है, इसलिए इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। किस काल में लौटा है, शीतकाल में, इसलिए शीतकालीन मानसून भी कहते हैं।
किस दिशा से लौट रहा है? उत्तर पूर्व से, इसीलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ही मानसून है जिसे तीन नामों से जानते हैं, लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। किन मंथ में आता है, किस मंथ में आता है? तो नवंबर दिसंबर मंथ में, कई बार जनवरी में भी होती है इससे वर्षा, ठीक है। एक और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस मानसून से जब मध्य प्रदेश में वर्षा होती है तो उसे मावठा कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी प्री मेंस, एमपीएसआई में, एमपीपीएससी मेंस में तो आपको मावठा तीन नंबर में भी पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकालीन में प्रदेश के पूर्वी जिलों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठा कहते हैं, ठीक है ना। तीन नंबर में आप इतना लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप तमिलनाडु का मानसून। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख शहरों को। सबसे पहले है चेन्नई। चेन्नई के बारे में आप जानते हैं, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, पुराना नाम मद्रास है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, 1996 में इसका नाम क्या किया गया है, चेन्नई किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम चेन्नई के बारे में और चीज़ें जानते हैं। चेन्नई का संस्थापक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। सेंट जॉर्ज का किला है जिसका निर्माण 1640 में फ्रांसिस डे ने करवाया था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सेंट जॉर्ज का किला, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में कुछ किले हैं पूछ लिए जाते हैं, फोर्ट विलियम का किला, जॉर्ज कैसल का महल, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों कहाँ पर हैं, फोर्ट विलियम का किला और जॉर्ज कैसल का महल। अभी मैंने जो किला बताया वो कौन सा है? सेंट जॉर्ज का किला है। किसने स्थापना की थी चेन्नई की? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रेंड्स ऐसे आपको क्वेश्चन कर लेते हैं कि मुंबई की स्थापना किसने की, तो आग्यार ने की थी। कोलकाता की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चारनाक ने की थी, ठीक है। आधुनिक चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको हर राज्य में ये इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कि प्रमुख शहर जो भी हमारे देश के हैं उनकी स्थापना किसने की है, ठीक है ना। आप पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आपसे एक भी क्वेश्चन यदि जीएस में आपको विविध में आएगा इंडियन ज्योग्राफी से, तो आप निश्चित ही उसको कवर कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू रहें और स्टेट के वीडियोज़ को बार बार देखें, पूरा देखें, अपने पास नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। और जब मैं आपको पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो उनको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मेरा 100% ये दावा है कि आपको निश्चित ये बहुत उपयोगी साबित होंगे स्टेट सीरीज, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में इनसे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है, ठीक है ना, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार भी उसे कहते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा भार वहन करने वाला भी बंदरगाह मुंबई है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। और यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है ना। बंदरगाह फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी बंदरगाह पे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह में अंतर भी बताऊँगा और बंदरगाहों की पूरी डिटेल दूंगा आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, ठीक है ना, भारत में जो रेलवे जोन है तो दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है ना, आपको बन जाएगा। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में है। एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर हैं आपके? चेन्नई में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा यदि आप घूमने जाएंगे चेन्नई तो भारत का सबसे सुंदर और बड़ा बीच है मरीना बीच, ठीक है, मरीना बीच। चेपक क्रिकेट स्टेडियम, फ्रेंड्स चेपक क्रिकेट स्टेडियम को चिदंबरम नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे बताइएगा चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, आप लोग बोलेंगे बहुत पूछ रहे हैं सर, लेकिन आपको बनेगा, है ना। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है चिन्ना स्वामी, लोगों ने चेन्नई लगाया था जबकि चिन्ना स्वामी किसी और शहर में है, चेन्नई में चेपक क्रिकेट स्टेडियम है जिसे चिदंबरम नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आईपीएल टीम सीएसके का यह क्या है? होम क्रिकेट ग्राउंड है। सीएसके के कैप्टन हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी,
ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि सीएसके ने अभी तक आईपीएल में कितनी बार खिताब जीता है, ठीक है। इस बार आईपीएल नहीं हो रहा है 2020 में, लगभग हम ये मान सकते हैं, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। चेन्नई के निकट आवड़ी है, यहाँ आवड़ी हो गया है, आवड़ी है जहाँ सेना के टैंक बनाए जाते हैं, क्लियर है। तो चेन्नई के निकट आवड़ी में सेना के टैंक बनाए जाते हैं। देश का पहला सीमेंट कारखाना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ लगाया गया था, तो चेन्नई में लगाया गया था, 1904 में स्थापित हुआ था, परंतु ये असफल हो गया था, ठीक है। फिर हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी, ठीक है ना, कार बनाते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स तो भारत की सबसे बड़ी, भारत की बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, ठीक है ना, व्हीकल कंपनी है। दोनों के कारखाने कहाँ पर हैं, चेन्नई में। बायो वैली और कॉलीवुड, ठीक है ना फ्रेंड्स, बॉलीवुड होता है, टॉलीवुड होता है, यह है कॉलीवुड, कहाँ पर है, चेन्नई में है। इसके अलावा एगमोर संग्रहालय और तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, पौंडीचेरी केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, दोनों का हाईकोर्ट कहाँ पर है, चेन्नई में है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है शहर तंजौर, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजौर किस वंश की राजधानी, तो तंजौर, तो तंजौर जो है वो चोल वंश की राजधानी है, ठीक है ना, किस वंश की, चोल वंश की राजधानी है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तंजौर को मंदिरों का शहर कहते हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिरों का शहर, ठीक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में मैप पे ये सब दिखा चुका हूँ कि तंजौर कहाँ पर है, ठीक है ना, कावेरी नदी के तट पे है, मंदिरों का शहर कहते हैं, चोल वंश की राजधानी है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर फ्रेंड्स शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। इसका निर्माण राज राज प्रथम ने कराया था, किस वंश के शासक थे, तो चोल वंश के। अब तंजौर चोल वंश की राजधानी थी, वहाँ पे जो भी मंदिर बनेंगे वो चोल शासक बनाएंगे, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है, और यह किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, और बैसर शैली होती है, ठीक है ना। तो ये किस शैली में बना हुआ मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन तीनों शैलियों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह किस पत्थर से बना हुआ है, तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक इमेज है, ठीक है, किस मंदिर की, बृहदेश्वर मंदिर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मदुरै, मदुरै त्योहारों का शहर, ठीक है, मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं। किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है। ये पांडे, ठीक है ना, पांडे हो गया है, पांडे वंश की राजधानी थी, वैगई नदी के तट पे है, त्योहारों का शहर कहते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स मीनाक्षी माता मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मीनाक्षी माता मंदिर कहाँ है, तो मदुरै में है, त्योहारों का शहर कहते हैं। मदुरै तमिल साहित्य, या हम कह सकते हैं संगम, जो संगम साहित्य की रचना हुई थी, या जो दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं संगम काल, उसका मूल केंद्र मदुरै रहा था फ्रेंड्स, ठीक है ना, और भारतीय संस्कृति का भी केंद्र रहा है मदुरै। इसके बाद है श्रीशैलम, श्रीशैलम में स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, इसे आमों का शहर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं कोयम्बटूर के बारे में, तो फ्रेंड्स कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को, क्योंकि यहाँ पे सूती धागे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना, और भारत की कपास नगरी किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। अब फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट, आपके व्हाट्सअप फेसबुक में एक इमेज बहुत वायरल होती है, भगवान शिव की, ये आदि योगी शिव की प्रतिमा है, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। यह 112 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसकी स्थापना ईशा योग फाउंडेशन या ईशा योग केंद्र द्वारा कराई गई है, जिसके प्रमुख कौन हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं, ठीक है ना, इन्हें सदगुरु भी कहते हैं, ये इनकी इमेज है, ठीक है, आप देख लीजिए, जग्गी वासुदेव जी हैं, इनके प्रवचन भी आते रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश में प्रवचन देते हैं ये, ठीक है। फिर है कांचीपुरम, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी, ठीक है, कांचीपुरम फेमस है अपनी साड़ियों के लिए, पलार नदी के तट पर स्थित है,
कांचीपुरम साड़ियों के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है कांचीपुरम को। मंदिरों का सबसे, देखिए मंदिरों का शहर तंजौर को कह रहे हैं, इसे मंदिरों का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर और कामाक्षी अम्मा का मंदिर, ठीक है। देखें मीनाक्षी माता का मंदिर कहाँ पर है, मदुरै में है, ये कामाक्षी है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। द गोल्डन सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल भी किसे कहते हैं, कांचीपुरम को कहते हैं। वेदांत गलपक्षी अभ्यारण्य है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, चेन्नई से कुछ दूर और कांचीपुरम जिले में श्री पेरम्बदूर है। इस श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी बम ब्लास्ट करके, ठीक है ना। किस संगठन ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की थी, तो उस संगठन का नाम है लिट्टे। लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। इसके प्रमुख हुआ करते थे वी प्रभाकरण, वी प्रभाकरण इसके प्रमुख हुआ करते थे। इस संगठन ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध में इस लिट्टे के खिलाफ एक शांति सेना भेजी थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कब हत्या कर दी गई थी, 21 मई को कर दी गई थी 1991 में, ठीक है, श्री पेरम्बटूर में। और इसीलिए 21 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं आप, आतंकवाद विरोध दिवस, ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी इस दिन, इसीलिए 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, सेवाकाशी यहाँ के फटाके की फैक्ट्रीज के लिए फेमस है, और यहाँ पर आग लग गई थी इस कारण से काफ़ी फेमस हुआ था। आपको पूछ सकते हैं सेवाकाशी किस लिए फेमस है। फिर है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली भी कावेरी नदी के तट पे है, त्रिची नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ कौन सा मंदिर है, तो रंगा स्वामी या रंगनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान तिरुचिरापल्ली में है, ठीक है, इसे त्रिची भी कहते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। कुछ बुक्स में केवल त्रिची लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर तिरुची किस राज्य में है, क्योंकि जब भी आप तिरुची सर्च करेंगे तिरुचिरापल्ली आएगा, ठीक है ना, तो तिरुचिरापल्ली को ही तिरुची कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पर है, तो तिरुची में है। फिर इसके बाद है त्रिपुर, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा नहीं लिखा है, त्रिपुर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ना तिरुपति बालाजी लिखा हुआ है। तिरुपति बालाजी कहाँ पर हैं, तो वो आंध्र प्रदेश में, ये केवल त्रिपुर लिखा है, हालाँकि तिरुपति बालाजी जो हैं उससे काफ़ी निकट है ये त्रिपुर, ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु में है। यह एशिया का सबसे बड़ा हौजरी टी शर्ट बनाने वाला केंद्र है फ्रेंड्स, जो भी हौजरी की टी शर्ट आती हैं वो यहीं से आती हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है चिदंबरम, चिदंबरम में नटराज मंदिर है, ठीक है, नृत्य करती हुई शिव का रूप है यहाँ पर। जो चोल शासकों ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नटराज मंदिर या इस मूर्ति को किन शासकों ने बनवाया था, तो चोल शासकों ने बनवाया था, ठीक है ना, शिव की नृत्य करता हुआ रूप है। इसके बाद है वेल्लोर, वेल्लोर में महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, मैं गया हूँ यहाँ पर, आप भी जाएँ, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर वैसे तो अमृतसर में है, गुरुद्वारा है, ठीक है, बट वेल्लोर में महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर भी है, ये साउथ में है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम तमिलनाडु के कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को जानते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, मिड डे मील, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 यह प्रारंभ हुई है, तमिलनाडु से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर रामेश्वरम से मानव मदुरै के मध्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गन्ने की खोई से पेपर निर्मित करने वाली विश्व की एकमात्र मिल कहाँ पर है, करूर में है, ठीक है, तमिलनाडु के करूर में है। केला उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, केला उत्पादन में पहला स्थान है, और नारियल उत्पादन में दूसरा स्थान है। लौंग के उत्पादन में भी पहला स्थान है फ्रेंड्स, लौंग के उत्पादन में भी तमिलनाडु का पहला स्थान है। तमिलनाडु में वेटलैंड एरिया, ठीक है, रामसर क्षेत्र, रामसर समझौते के तहत वेटलैंड एरियाज घोषित किए जाते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है ना, इसके तहत तमिलनाडु में जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो है पॉइंट कैलियर, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैप पे ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। एक है मन्नार मैरीन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। इसे बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 1989 में,
मन्नार मैरीन नेशनल पार्क से 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, फिर अगस्त मलाई को 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, और इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि नीलगिरी को 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो तीन बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल रहे हैं तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।